For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. इंडिया में एक बात की बहुत ज्यादा चर्चा है आजकल, वो है हैशटैग MeToo कैंपेन, जिसके तहत दोस्तों जितने भी इंडस्ट्री में या फिर जर्नलिज्म में या कहीं भी कोई भी शिकार हुआ है कास्टिंग काउच का या किसी तरीके के सेक्सुअल हैरासमेंट का या फिजिकल अब्यूज का, तो वो खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर वो बात रख रहे हैं अपने सामने। और इसी आंख के लपटों में आती है ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30। आपको बता दूं दोस्तों, ऋतिक रोशन की इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विकास बहल। जी हाँ, ये वही विकास बहल है जिन्होंने क्वीन जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग विमेन एम्पावरमेंट की फिल्म बनाई। लेकिन आजकल विकास के जो सितारे हैं वो गर्दिश में है। विकास आजकल बहुत ज्यादा उनका नाम सामने आ रहा है मीटू कैंपेन में, जहां पर फिजिकल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, राइट? आपको तो पता ही होगा कि मीटू कैंपेन क्या चल रहा है। तो ऐसे में ऋतिक रोशन की तरफ से भी दोस्तों एक बात सामने आई थी, और ऋतिक रोशन ने भी ये कहा था कि प्रोड्यूसर से मेरी डिमांड है किसी तरीके से ये जो कल्प्रिट हैं, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो आगे कंटिन्यू ना हो। और अगर ऐसा ही रहता है तो विकास बहल की अपकमिंग फिल्म सुपर 30, जो कि आनंद कुमार की बायोपिक है, 25 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म, वो चर्चाओं का विषय बन जाएगी और वो पीछे हो जाएगी। जी हाँ, अब तक जो खबरें सामने आई हैं यही आई है कि ऋतिक रोशन की सुपर 30 25 जनवरी को रिलीज नहीं होगी और 25 जनवरी की जगह ये फिल्म मार्च में रिलीज होगी। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन जो ये कैंपेन चल रहा है, इसकी तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक शराफत का चोला उड़ रखा था, और धीरे धीरे उनका ये चोला खुल रहा है, उतर रहा है। आपको क्या है कहना इस बात को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर।